मैं ना और दिन तो स्कूटी में बैठती हूँ, आज मैं बैठ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स आज है हमारी जयश्री का पिकनिक। कितना अच्छा लग रहा होगा ना, तेरा एक्साइटमेंट तो दिखा, मतलब तू तो खुश है जैसा। ओ माय गॉड, ये तो कोई एक्साइटमेंट दिख नहीं रही तेरी है? नहीं एक मैं बैग लेके जा रहे हैं, नो बैग। तो हमारी जयश्री खुश नहीं, बोली है बुक्स वगैरह तो वहाँ गई हुई है ना। अरे गई हुई है इसीलिए इसको उतनी एक्साइटमेंट नहीं हो रही। चलो 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 इक्की तुम भी जाओ, बाय, एंजॉय करना पिकनिक, बाय बाय जयश्री, बाय। चलो 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 चलो, कुछ नहीं ले गए पिकनिक में। भग्गू का तो आज घर में है ऑनलाइन क्लासेस। तेरी दीदी को भी कोई एक्साइटमेंट नहीं थी बहन, उसको लग रहा है क्या बेटी है ना। नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, आदाब, सुप्रभात, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा सा हिंदुस्तान। आई होप आप लोग होंगे बढ़िया, मस्त, स्वस्थ, और आपकी ज्योति भी बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है। और जैसा कि आपने देखा कि हमारी जयश्री जा चुकी है अपना पिकनिक टूर इंजॉय करने के लिए, बट उसको ना उतना एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ जा चुकी है। तो चलो कोई नहीं, अच्छा अच्छा खाना तो लेके गई है, पास्ता लेके गई है, स्नैक्स लेके गई है, पैकेट फूड लेके गई है, जूसेस लेके गई। अरे यार हम वो दिन, अपने तो दिन ही याद आ जाते हैं, कितना इन्जॉय करते थे हम, हाय वो दिन। ओह तो आप बने रहिए ब्लॉग में। भाई के लिए रोटी, रोटी छोटी, रुक जाओ मैं आ गई, तुम दोनों वहीं पे रहो तो मानेगी वो। कहाँ जाने की हो रही, कट्टी करे वो, मम्मा खिला देगी दो। चलो बाय, खा लिया ना, चलो बाय बाय बाय। चला गया, उसको पता है कि इतना ही है यहाँ, उसको पता है कि वहाँ पे इस घर में ना दो तीन बच्चे हैं, वो चोरी छुपे 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 सारा कुछ खा लेते हैं, है ना, है ना। हाँ ये है ये है ये है, बाय के दे। नो बेटा नो, हट हट, नो नो। तो फ्रेंड्स झाड़ू पोछा हो चुका है, अब बारी है रूम की क्लीनिंग की। तो आज ना मैं अपना रूम भी थोड़ा बहुत क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि क्या करना, मैं नीचे थी इसके ऊपर आ गई, उसने सारा क्रीम वगैरह हर जगह लगा दिया। अभी तो जाने थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया, तभी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये कैसे लगा रखा है उसने, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। उसने गलती से ना उसने ये अलमारी खोल दी और उसके यहाँ का सारा सामान उसने फेंक दिया। तो अब मैं करती हूँ पहले साफ सफाई, फिर आपको मिलती हूँ। ओके तो फ्रेंड्स देखिए हो गई ना पूरे रूम की क्लीनिंग, ये देखिए अब चलते हैं नीचे। सो फ्रेंड्स आज ना सबसे पहले मैं लाइट बंद करूँ, क्योंकि हमारे घर में अगर गलती से लाइट खुली रह गई ना तो आप समझ जाओ आप तो पापा के हाथों पक्का डांट खाओगे, क्योंकि जो कमाता है वही वैल्यू समझता है। तो पापा ने जिंदगी भर पैसा कमाया तो उन्हें पता है पैसे की वैल्यू क्या है, और हम बहुएं आके उड़ा रही हैं उनके पैसे, है ना, गलत है ये। तो अब मैं ना आज तो भाभी मेरे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करी, और सबने ब्रेकफास्ट कर लिया, बस मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो मैं ब्रेकफास्ट करूँगी क्योंकि भाभी का आज है पूर्णिमा का फास्ट और मेरा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं क्यों नहीं होगा। तो अब मैं चलती हूँ नीचे। ओके तो चलते हैं, पर हाँ मैं ज़्यादा हल्ला नहीं करूँगी क्योंकि जो भाग्यश्री है उसकी ऑनलाइन क्लासेस आ रही हैं इसलिए। ओके तो यहाँ पे चल रही है दोनों की क्लासेस, और भाभी ना क्या कही है, ओह माय गॉड। आप फाइनली आपने सूट निकाली लिए अपने अच्छे खासे। तो फ्रेंड्स ये है मेरा ब्रेकफास्ट, जिसमें बीन्स और आलू की सब्जी बची है जो रात की है, और ये है भिंडी की सब्जी, और ये हैं पराठे जो कि मैं खाऊंगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ, घर का सारा काम हो चुका है सुबह का, तो अभी मैं जा रही हूँ कथा में,
तो ना वहां पे क्या है, जो हमारी एक दीदी है, मतलब बीना दी है, उनके बेटे का जनेव था, तो बर्पण हो चुका है। तो आज है उनने अपने घर में कथा रखी है और साथ ही साथ रात को है उनके वहां डिनर। तो अब हम जाते हैं। लंच का टाइम हो चुका है और मैं किचन में आ गई हूँ अपनी जान के साथ। तो जान बना रहे हैं अपने के लिए सैलेड। तो ये है लेटस लीफ, तो इसका बनेगा सैलेड। साथ में इसमें हम थोड़ी बहुत वेजीज इंक्लूड करेंगे। और मम्मी ने बनाई है हम सब के लिए खिचड़ी, क्योंकि पापा और भाभी का तो है फास्ट। तो अब मैं करूँगी जान की कुछ हेल्प खाना बनाने में और आपको भी दिखाते हैं कैसे बनता है सैलेड। सैलेड का ना सारा कुछ रेडी हो चुका है, इसमें एप्पल भी इंक्लूड हो गए हैं और इसमें चुकंदर डाला है हमने, ये देखिए। साथ ही साथ लेटस लीव डाली है, बता दिया था जैसे मैंने, और कुकुम्बर डाल रखा है, अनियन डाल रखा है, और क्या डाला था, दैट्स इट ना, और तो कुछ नहीं डाला ना। तो और जान एप्पल भी अभी कटिंग कर रहे हैं, तब तक के लिए मैं खिचड़ी सबको दे देती हूँ। ये है खिचड़ी, सो टेस्टी। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ मंगल बाजार। जब से मैं ना, मतलब जब से जान आए तब से बस एक ही टूर हो रहा है मेरा उनके साथ, वो है मंगल बाजार का सब्जी लाने का। तो हमारे घर वालों ने ड्यूटी लगाई है कि तुम लोग सब्जी भी लेके आओ और अब एक दूसरे के साथ प्यार भरे वक्त भी गुजार के आओ। घर में तो इश्क ही होती है, बाहर तो गुजारो अच्छे से। तो ये आ गए मेरी जान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये है मेरे हीरो। ओ हीरो, क्या बात क्या बात, बिल्कुल। हाँ लगाओ सब्जी लेने, स्मार्ट लग रहे हो यार। आज तो ना सब्जी मंडी में दो चार लड़कियां मर जाएंगी आप पे, पर उसके सामने मैं आऊंगी। ये मेरा पति है, ये मेरा पति, लाइन मारने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं ना और दिन तो स्कूटी में बैठती हूँ, आज मैं बैठ चुकी हूँ बाइक में। बड़ा ऊंचा फील हो रहा है। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं मंदिर में, तो अब करते हैं हम पूजा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हूँ सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जा रहे हैं, रात की पूजा भी हो चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं कथा का खाना खाने के लिए। हाँ बेटा मैं सुन रही हूँ। कम बेटा कम बेटा, इसकी बोली मम्मा जल्दी चलो ना, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? कथा का खाना खाने, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। फिर पार्टी, पार्टी मतलब हाँ। पार्टी में जा रहे हैं हाँ। ओके पार्टी तो होता है, चलो चलते हैं, चलो 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 इसकी काम आ जाओ इसकी पाड़ी। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे हुई थी कथा सत्यनारायण जी की, और साथ ही साथ हमको ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिल गया है। अब हम जाएंगे पूजा का खाना खाने के लिए। भाभी ना फुल फ्री का मिला तो सब खाओगी क्या? बीना दी
तो बीना दी ये हैं जिनके बेटे का जन्म था ना, हो चुका था, आज का था थी। आप देख सकते हो जब बेटे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद हालत क्या हो जाती है, दिन रात बिजी इंसान। हम अभी मिल रहे हैं दीदी को, अगर सुबह मिलते दीदी की शक्ल चमक रही होती, शाम को मिल रहे थोड़ी इसलिए फीकी हो रही है, वरना बीना दी तो बीना दी बेटियों में सबसे सुंदर है यार। बाल क्या है, आपने बाल दिखाओ, बाल सबसे ज्यादा सुंदर है, बाल तो सबसे ज्यादा सुंदर है, वही चाहिए आजकल। ओ बीना दी यार ब्लॉग में जितनी मत मारो अपनी। का बर्पण हो चुका है एक तरफ से, कहो आप बड़े हो गए हो, दिखाओ तो सही अपना टकलू पना। अब आ जाएंगे यार बाल, आ जाएंगे, स्मार्ट लग रहा है अब तो, तू बड़ा हो गया है ना। अब तेरे को ना, पहले तेरे को बोलते थे क्यूट, अब तेरे को बोलेंगे हैंडसम, है ना। कैसा लग रहा है स्कूल में, कैसा लगेगा जब गंजा होकर जाएगा तो कुछ नहीं होगा, अभी तो आते ही है ना। अरे होता है, अब उनको पता चल जाएगा कि अब ये बड़ा हो गया है, सीनियर हूँ मैं अब, सीनियर।